सफ़र की शुरुआत करते हैं हरिद्वार से और देख सकते हैं हरिद्वार का हर का पौड़ी। देख सकते हैं इस वक्त मैं हर की पौड़ी हरिद्वार में हूँ और देख सकते हैं भगवान कितना। यहाँ से चलते हैं अपने रूट लेसडाउन की और ये रूट मैंने हरिद्वार से इसलिए चुना क्योंकि रूट वन जो है वो आपका देहरादून चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश से होते हुए आता है और जो रूट टू है वो रुड़की दिल्ली मेरठ। तो दोनों रूट से आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने दोनों रूट आपको इस वीडियो में दिखा रखे हैं, रूट वन और रूट टू। रूट वन से देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत भोले बाबा की मूर्ति है और सामने हर की पौड़ी दिखाई दे रही है और रूट टू में आपका पतंजलि वगैरह सारा चीज़ आ सकता है। देख सकते हैं नीचे रूट टू में पतंजलि का पूरा इंस्टीट्यूट वगैरह आपको देखने को मिल रहा है और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से पतंजलि। और रूट वन जो है हमारा रूट वन से हम नैनीताल और बिजनौर के लिए भी जाते हैं, इस रूट में एक रूट साइड होता है और इधर ही से दोनों रूट मिलते हैं चंडी घाट में, जो कि चंडी घाट से होते हुए सीधा कोटद्वार को जाएंगे और कोटद्वार से फिर दुगड्डा होते हुए लैंसीडोन के लिए ये रूट हमारा रहेगा। ये देखो बाईपास कर दिया हमने, रूट वन में बाईपास करना है फ्लाईओवर को और बाईपास करने के बाद सीधा आपका आएगा चंडी घाट। और रूट टू में देख सकते हो आप कितना खूबसूरत ओम बना हुआ है और ये देख सकते हैं रूट वन में बाईपास करते हुए अब ये पहुंच चुके हैं हम चंडी घाट की ओर और दूसरा रूट भी इसी तरफ से मिलता है यहाँ पर। और ये सामने जो बस आती हुई दिख रही है आपको ये दिल्ली से होते हुए आ रही है, तो आपने पता चल गया होगा आपका रूट वन और रूट टू। दोस्तों 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हरिद्वार से पहुंच चुका हूं मैं कोटद्वार और ये देख सकते हैं झंडा चौक यहां का मेन मार्केट है और ये कोटद्वार इधर का मेन हब है गढ़वाल का, जहां से लेसडाउन पौड़ी सतपुली सभी जगह के लिए जाते हैं। और देख सकते हैं मार्केट आपको काफ़ी सुबह का टाइम है, इस वजह से आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखने को मिल रही। आमतौर पर इधर पे बहुत काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी रश रहता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिद्धबली मंदिर है यहाँ का फेमस मंदिर और कोटद्वार का मानावा मंदिर है। देख सकते हैं ये कोटद्वार का सिद्धबली फेमस टेंपल है यहाँ का, जो कि पहाड़ी की चोटी पे बना है।
का खूबसूरत वाटर पॉइंट आप देख सकते हैं। काफ़ी मात्रा में भारी मात्रा में लोग यहाँ आकर गाड़ियाँ रोक के पानी पीते हैं। बहुत ही खुश प्राकृतिक पानी है यहाँ का। और यहीं से चलेंगे हम सीधा दुगड्डा की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरुआत हो चुकी है दुगड्डा मार्केट की। और ये मार्केट आप देख सकते हैं, इस मार्केट में दो रोड कटेंगी, एक सीधी रोड जाएगी वो रामनगर के लिए जाएगी और जो लेफ़्ट के लिए जाएगी वो हमारा लेंसीडॉन सतपुली पौड़ी होते हुए जाएगी। और ये मार्केट है, अभी इस वक्त बारिश हुई है, बारिश के बाद मार्केट में अभी चहल पहल कम है, देख सकते हैं आप। और दिखाता हूँ आपको वो रूट जो आगे रामनगर के लिए जाता है और दूसरा रूट जिस पे हम जाएंगे। तो ये देख सकते हैं जो आप हमारे सीधे सामने जो रूट जा रहा है ये रामनगर के लिए जा रहा है और जो हमने लेफ़्ट लिया ये सीधा लेंसीडॉन सतपुली पौड़ी होते हुए जाएगा आगे की ओर। तो ये रूट हमने लिया यहाँ पर और काफ़ी खूबसूरत मौसम। और ये रास्ता जो है आप देख सकते हैं धूल बहुत है, ये रास्ता लेंसीडॉन के लिए जाता है और ये सतपुली कुमखाल। और डेरिया खाल से लगभग 4 किलोमीटर आगे हम पहुंच चुके हैं लेंसीडॉन में। और ये लेंसीडॉन का एरिया यहाँ से शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं धुंध काफ़ी ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर आ रहे काफ़ी धुंध बढ़ती भी जा रही है। और रोड देख सकते हैं कितना साफ़ स्वच्छ और साफ वातावरण देखने को यहाँ पर आपको मिल रहा है और पूरे अल्पाइन के पेड़ लगे हुए हैं जगह जगह। इस वीडियो में मैं आपको केवल हरिद्वार से लेकर लेंसीडॉन के रूट के बारे में बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे लेंसीडॉन शहर की जानकारी दूंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ फेमस है और उनका खूबसूरत नज़ारा आपको एक्सक्लूसिवली सर्वाइवल गुरजी में दिखाऊंगा, देख सकते हैं। एक जानकारी और दूँगा मैं इस खूबसूरत शहर के बारे में आपको
कि जो इसका नाम पहले लेंसीडोन ही था, इसका नाम पहले कालू डांडा था। यहाँ पर आपको कई बोर्डों में जगह जगह कई जगह लेंसीडोन देखने को मिलेगा, कई जगह कालू डांडा देखने को मिलेगा। तो पुराना नाम इसका कालू डांडा था, परंतु जब अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजों का एक टूरिस्ट प्लेस बनता गया यहाँ, तो उन्होंने इसका नाम लेंसीडोन दे दिया। और यहाँ पर चल के आपको कई चर्चेस और अच्छे अच्छे बंगला वगैरह आपको अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत हरा भरा शहर है, ये देख सकते हैं बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और घंटी वाला बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए। ये देखिए आप, इधर बोर्ड में कालू डांडा लिखा हुआ है और नीचे लेंसीडोन लिखा है। तो कोई सा भी नाम बोलो, चाहे आप कालू डांडा बोलो चाहे लेंसीडोन, दोनों परफेक्ट नाम है इस शहर के लिए। और आगे चल के इस शहर की खूबसूरती दिखाऊंगा मैं, ओनली ऑन एक्सक्लूसिवली सर्वाइवल गुरुजी। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, कीप वॉचिंग सर्वाइवल गुरुजी।